गाइस हालत खराब हो गई, इनकी हालत देख सकते हैं आप। झूलोगी अब? अब बताओ अपना एक्सपीरियंस कैसा था? इन्होंने अपना होट ही काट लिया डर के मारे। गाइस बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक झूला है यार, हालत खराब हो गई। ये इस कदर चीख रही थी, रोने लग रही थी बार बार झूले में। उतारो मुझे उतारो, मना कर रहा था। अब क्या हुआ, झूलोगी अब? झूलोगी? चक्कर आ गए, हालत खराब हो गई इनकी। लेकिन मजा आ गया भाई, चक्कर आ रहा है, इसे चला भी नहीं जा रहा। हालत खराब हो गई डर के मारे, इन्होंने अपना होट ही काट लिया। तो गाइस हमने सामान ले लिया है, मिठाई ले ली है, अब हम जा रहे हैं नूरापी के घर, देखते हैं वहाँ पे जाके क्या होता है। और ये मेरे से पूछ रहे हैं कौन सा है, मुझे क्या पता, आपकी सिस्टर है, आपको पता होगा। अस्सलाम वालेकुम। ओहो क्या बात है, शादी वादी में जा रही हो क्या? किसका है? हस्बैंड का बर्थडे? हैप्पी बर्थडे टू योर हस्बैंड। थैंक यू सो मच। कहाँ है समीर भाई? कहाँ है समीर भाई? तो ये आ गए समीर भाई। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू भाई। और ये रहा इनका रूम, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। हेलो भाई, पास हो गए। हेलो गाइस, तो गाइस देखिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपना बर्थडे एंजॉय कर रहे हैं और काफी खुश लग रहे हैं दोनों। चेहरे से आप खुशी देख सकते हैं और अल्लाह ऐसे ही हमेशा इनको खुश रखे, ये हमारी दुआएं हैं। और आप लोग भी दुआ करिएगा इनके लिए और आप लोगों के लिए भी। और मैं बहुत जल्दी खाला बनूं, मेरे ऊपर वाली की दुआ है, झट मत करना मैं गुस्सा मारूंगी। और वहां पे नया बुक्कड़ बैठी हुई है, देखिए कैसे खा रही है। गाइस चले माशाल्लाह सबसे ज्यादा खा रही है नया। माशाल्लाह से नेहा खूब खा रही है यहाँ पे, चीयर्स कर रही है, बुरी बात है। साइड से आप नेहा का फेस देख सकते हैं। ये प्लेट लेके बैठा हुआ। तो गाइस आप देख सकते हैं नेहा ने पूरा 10 किलो वजन गेन कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी मोटी लग रही है ये, मेरे से भी ज्यादा। फेस पे ध्यान दें आप, फेस पे। हम भी काफी मोटे हो रहे हैं, ठीक है ना, किसी और को मत बोलो, पहले खुद को देखो। और ये नूर जहां बाजी ना पूरी तैयारी कर रखी है यहाँ पे, रिंग लाइट वगैरह, और ये सामने मिरर देख सकते हैं, पूरी तैयारी कर रखी है। अच्छो कर दो। हे हे अर्जु, कॉलिंग आ रहा है। अर्जु लो, दे दो, बोलो दे दो, दे दो, मांग लो, मांग लो। हे लो लो लो, नो कर दो, नो नो कर दो, चल चल ले लो, ले लो ले लो। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे हस्बैंड की बर्थडे में आए हैं सब, मेरी पूरी फैमिली आई है। तो आप इनको जानते हो, ये हिना है,
है और ये अपनी आईडी बताएंगे आपको। ये आईडी बता रही है, दांत दिखा रही। मेरी आईडी नेहा और जो वीराना की फिल्म है ना वीराना वाली, उसमें जो जासमीन है वो मेरी जैसी लगती है। आप बता किसकी तरह लगती हो? जो भाभी जी में सक्सेना, सक्सेना जी देखे, भाभी जी में सक्सेना जी है, आप उनकी तरह लगती हो। अब नहीं दबाएगा, अब नहीं दबाएगा, और उसे पेड़ दबाओ। दूर रह से। थोड़ा मम्मी से बातें करो, नहीं थोड़ा आप भी तो सुनाओ। आ जाओ, तभी तो चुगली करेंगे। और क्या, तुम आ जाओ तो बताती हूँ अपनी। तुम बाहर से जाओगे तो चुगली करेंगे। आप करो, चलो आप कर सकते हो। तुम बाहर से आप चुगली करेंगे। चुगली करो किसकी? ऐसे ही कर लो। इसकी तरह छोटा सा गिलास मुझे ऐड नहीं कर सकता वो। दे दो मम्मा, मेरे सामने ही करता, पीठ पीछे करता है। दे दो इसको गिलास, दे दो। ऊपर टिक्के आ चुके हैं ग्रेवी वाले। ओवर एक्टिंग। लात मार दो, मैं तो काट दूंगा पैर। बेइज्जती कर दी। मार अलग से रहा। मामा का था, मम्मा का। मम्मा का था। अब मैं ये बेइज्जती। काट दो, मैं काट दूंगा। ऊर्जाई। बोल रहा काट दूंगा। काट दो चल, काट दो। ना ना। थप्पड़ दिखा रहा है, थप्पड़ दिखा रहा है। नेहा के सिर में इसका मतलब बहुत सारी जुए है, सारा दिन देखता है बेचारा। जमीन पर रख के जू मार रहा है। ये मार दो, जू मार दो, मार दो। ये वो करेंगे, मम्मी का सिखा ही है, मम्मी का और जगह ना वो करेंगे। हमें चिकन टिक्का आते ही ये ना टूट पड़ी है। मैं आपके लिए निकाल दूँ खाना इनसे। ओह फोर्स की देखो इसकी। ओह समीर भाई कुछ कहना चाहते हैं इस सुनहरे अवसर पर? ये तो खुद आ गई, किसी ने इनवाइट ही नहीं करा था। तो गाइस ये जबरदस्ती कैमरा लेके खड़ी हो गई है, बोल रही है कि स्पीच दो। आप दीजिए स्पीच। अब ये स्पीच मांग रही है। अब समीर भाई को मजबूरी में एक स्पीच देनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से स्पीच देनी पड़ेगी। रूबी बाजी ने किया प्रपोज समीर भाई को, बहुत अच्छे। यार तुम नहीं करते तो किसी और को तो करने दो। मतलब थैंक यू सो मच फॉर दिस, आई लाइक इट। दिस इज फॉर यू। बड़े गंदे, हम सस्ते में लाए गुलाब। हेलो भाई,
अपना केक खुद काटूंगा, खुद ही लेके खुद लेके जाऊंगा। क्या है पक्के वाले ब्लॉगर छोड़ते नहीं हैं। गाइस इन्हें फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करें, शेयर करें। और ये मेरे बर्थडे में आए थे, मेरे घर 12 बज चुके हैं। अगला दिन 18 तारीख को मेरा बर्थडे है, सब मुझे विश करना है इनकी आईडी में। मैं कमेंट पढ़ूंगी, इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। तो गाइस जैसे कि आपने सुना, ये बताया ही नहीं, 18 तारीख को इनका ही बर्थडे है, पहले से पहले इन्होंने इन्वाइट कर दिया है और हम जरूर आएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम जा रहे हैं इनके यहाँ से और काफ़ी हमने एंजॉय किया। ये रहीना, अब हम चलते हैं। तो गाइस हम जा रहे थे, समीर भाई ने रोक लिया हमें रास्ते में और अब ये सबको ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के आइसक्रीम खिला रहे हैं। सबसे पहले नेहा अपने आप ही आ गई। और ये यहाँ पे ओला करने में बिजी हैं। नहीं हो रहा बेटा। तो गाइस वैसे ये डाइटिंग पे, लेकिन जब बात आती है आइसक्रीम की तो सारी डाइटिंग बोल रहे हैं। भैया ने इतना फोर्स करा है मेरे को, इसलिए मैं खा रही हूँ। उनके मजे आ गए। तो गाइस मेरी फैमिली जा रही है ओला में, ओला करिए, काफी लेट हो गया। ये रही नेहा। नेहा तो जाने का नाम ही नहीं ले रही, वो देख क्या है, चल जा भाग यहाँ से, भागो भागो जल्दी। समीर भाई आए हैं छोड़ने के लिए सबको, उनका बर्थडे था, काफी अच्छा रहा बर्थडे, मजा आ गया। गेट नहीं खुला दो। नेहा चूरन ही रहेगी हमेशा। नेहा फंस गई रह